हर हर महादेव। बैठ जाइए। नमस्कार फाइटर्स। यार वाकई में पहले लोग बोलते थे दिल्ली चलो, लोग बोलते थे दिल्ली दूर है। आपने 15,000 लोगों को दिल्ली में लाके बैठा के बता दिया कि दिल्ली चलो नहीं, दिल्ली में झंडा गाड़ो। तो सैल्यूट है आपके जज्बे को। जब हम लोग आ रहे थे तो काफी लोग परेशान थे, काफी लोग बोल रहे थे कि सर गेट्स के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। कई लोग रॉयल इंडिया वाले पे गुस्सा भी निकाल रहे थे, कई लोग गुस्से भी हो रहे थे। एक मैडम आई, उन्होंने बोला, अनीता मैडम ने बोला, सर हमारे लोग वापस जा रहे हैं, नाराज हैं। मुझे पता है आपको थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी समस्या हुई होगी, लेकिन यकीन मानना इसमें ना मैनेजमेंट का दोष है ना हमारा दोष है। आप हो ही ऐसे बोलते हो 10,000 आएंगे, ले आते हो 15,000, अब 5,000 लोग कहाँ एडजस्ट करें बताओ। अच्छा लोकल शो हो तो चलो कोई सोच भी लेता है लोग बढ़े होंगे, लेकिन यार वाराणसी से, यूपी से, बिहार से, एमपी से, जयपुर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से अगर 15,000 लोग बढ़ जाएं, तो मुझे लगता है कि रॉयल इंडिया वैकेशन ही दुनिया का हर मैनेजमेंट आपके सामने फेल है। और एक और कमाल की बात है, ये टीम बनाई है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं बना पाया, वो रिकॉर्ड बनाया हमारे गुरुदेव मिस्टर महिपाल सर ने, एक वीक की इनकम 5.5 करोड़। अब ध्यान से समझो, हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जो खुद ही रिकॉर्ड बनाते, खुद ही तोड़ देते हैं। यस या नो? तो भाई हम भी तो उनके बच्चे हैं, आप भी तो उनके बच्चे हैं, तो आखिर आप रिकॉर्ड तोड़ने से क्यों पीछे रहो? आज तक लोग स्टेडियम में आते थे तो खोजते थे सीट कैसे भरे, यहां हम खोज रहे हैं कि कैसे बैठे। और समझो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से चले गए होंगे, गलती उनकी नहीं है, उनकी नसीब में अभी असली पीएस वेलनेस में सफलता लिखा नहीं था, इसलिए परमात्मा ने चक्र रचा, उनको बाहर से भेज दिया होगा। और जो यहां बैठे हैं, सुनो, जो यहां बैठे हैं, आप यकीन मानो मेरे दोस्त, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी आप बैठे हो, इसका मतलब विधाता तुमसे कुछ करवाना तो चाहता है, इसलिए यहां पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आज के हमारे सारे अचीवर्स, मिस्टर विनोद सोनी जी, रॉयल डायमंड बहुत बहुत बधाई, हमारे सारे ब्लैक डायमंड को बहुत बहुत बधाई, हमारे ब्लू डायमंड को बहुत बहुत बधाई, और सारे डायमंड्स को बहुत बहुत बधाई। अभी स्टार सफायर की रिकॉग्निशन होगी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमारे सारे सफायर रैंक के अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई, सारे रूबी स्टार को बहुत बहुत बधाई, सारे टोपाज को बहुत बहुत बधाई, सारे एमरल्ड को बहुत बहुत बधाई, प्लेटिनम को बहुत बहुत बधाई, जितने भी लोग गोल्ड हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जितने भी लोग सिल्वर हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और सबसे ज्यादा बधाई ब्रॉन्ज को। मेरे दोस्त इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में विजन खुलने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। आप सब लकी हो कि आपने 2500 का चेक लिया और आज अपना विजन खोल रहे हो कि 2.5 करोड़ कैसे कमाया जाए। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु, हम सबके आइडियल, और मैं ये बोल दूं कि इस पूरे टीम के जो गार्जियन स्वरूप, जिन्होंने पल पल इस टीम की डेवलपमेंट में इस टीम के साथ खड़े रहे। मुझे याद है कि आज से लगभग 7 साल पहले जब एसलीपीएस वेलनेस की शुरुआत हमने वाराणसी में किया था, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा एक लेग तो चल गया। मैंने शुरुआती दौर में अपने एक लेग पे काम किया, एक लेग मेरा बड़ा अच्छा चल गया, और
मुझे गुरुजी ने बोला कि यार ऐसा है, बिजनेस में टाइम लगता है और धंधा पहले बनता है उसके बाद धंधे से पैसा आता है, तू पहले एक लेग डेवलप कर ले फिर दूसरा डेवलप कर लेंगे। तो मेरी आदत थी अपलाइन पे ट्रस्ट करने की, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता कभी। तो मैंने बोला क्या करना है सर, बोले पहले एक लेग डेवलप कर ले। मैंने बोनस लेग डेवलप किया, मेरे से पहले मेरे डाउनलाइन एमरल्ड बन चुके थे, मेरे से पहले मेरे डाउनलाइन टोपाज बन चुके थे, मेरे से पहले मेरे डाउनलाइन गोल्ड बन चुके थे, प्लेटिनम बन चुके थे। जब मेरे से लोग पूछते थे सर आपका क्या रैंक है, तो मैं बोलता था भाई जब मेरे डाउन में लोग इतने अच्छे अच्छे अचीवर थे सोचो मेरा कुछ तो होगा, मैं बताता नहीं था। लगभग 3-4 महीने हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए एसलीपीएस को, और अब आप समझ सकते हो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक लेग नहीं चलता होगा तो बड़ी परेशान होते होंगे, राइट। लेकिन मैं परेशान नहीं था क्योंकि मुझे इतना विश्वास था अपने अपलाइन पे, मुझे इतना विश्वास था हमारे गुरुदेव के ऊपर कि गुरुजी ने बोला तू टेंशन मत ले, काम करेंगे, धंधा पहले बनाते हैं फिर पैसा कमाएंगे। मैंने बोला ओके गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 4 महीने बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा आप दूसरा लेग खोल। मैंने बोला ओके गुरुजी। हमने दूसरे लेग पे काम करना शुरू किया और उसी काम के दरमियान हमारी मुलाकात अवधेश नारायण सर से हुई। तो हम लोग एक स्ट्रेटजी बना के काम करते थे, मेरा अचीवमेंट नहीं था, मेरे पास चेक नहीं था, तो हम और गुरुजी बैठ के प्लानिंग किए। मैंने बोला गुरुदेव आपके पास अचीवमेंट है, आपकी चेक है, तो आप फ्रंट में खेलो, आप बंदे ज्वाइन कराते जाओ और मैं ट्रेनिंग करके काम कराते जाता हूँ। ऐसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया और मैं बस सप्लाई से गाइडलाइन लेता था, मीटिंग कराते जाता था, मीटिंग्स होती थी, और मेरा काम था पकड़ के मार्केट में लोगों के साथ काम करना। मुझे आज भी वो दिन याद है, अवधेश नारायण सर जब मिले थे तो इनकी एक बाइक थी, तो थी वो बाइक लेकिन बुलेट वाली फील देती थी क्योंकि उसमें साइलेंसर के अलावा कुछ भी बचा नहीं था, और साइलेंसर इसलिए समझ में आता था क्योंकि उसमें फील आता था बुलेट वाला, तो मैं भी डर जाता था कई बार। उसके बाद धीरे धीरे मीटिंग हुई, प्रणव पांडे सर आए, हम लोगों ने रात को 12-12 बजे तक बैठ के ट्रेनिंग्स किए। विनोद सोनी जी को मैंने, मुझे याद है पहली बार प्रणव सर विनोद सोनी जी को लेके आए थे, तो BHU के अंदर एक कपल पॉइंट है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पे बैठ के, वहाँ अक्सर कपल जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा था कि सूट वूट पहन के हम और प्रणव सर बैठे हुए थे, और वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के विनोद सोनी जी को प्लान दिया था। मेरे दोस्त ये ऐसा इसलिए हो पाया, अचीवमेंट नहीं थी लेकिन एक चीज था, विश्वास था अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास था अपने मेंटर के ऊपर। इसलिए जैसा मेरे गुरुजी ने बताया, जैसा मेरे मेंटर्स ने बताया, हम लोगों ने वैसे काम करना शुरू किया। गुरुजी बोलते थे टेंशन मत ले, तेरी चेक नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरी 3 महीने की इनकम 500 रुपए की थी, सच्चाई है। वो बोलते हैं ना लोग MLM वाले 3 महीने में 500 कमा के पोस्ट डालते हैं धमाकेदार, बात सही है। हम 3 महीने में 500 कमा के पोस्ट इसलिए डालते हैं मेरे दोस्त क्योंकि अगले 3 साल में 5 करोड़ की इनकम लेने वाले लोग हैं। और अक्सर जब बड़ा से बड़ा बम फटता है ना तो उसकी चिंगारी बड़ी छोटी होती है, यस या नो? चिंगारी बड़ी छोटी होती है, तो वो चिंगारी बड़ी छोटी थी लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद और पल पल साथ रहा। आज अगर ये कारवां आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, अभी 2 दिसंबर को हम लोगों ने 30,000 लोगों का शो किया था, आज दोबारा हम 15,000 लोगों का शो कर रहे हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर्स और हम सबके, मैं बोलता हूं गार्जियन, अगर वो नहीं होते मेरे दोस्त तो शायद इस हॉल का एक एक शख्स सफल नहीं हुआ होता। मैं चाहता हूं एक जोरदार और धमाकेदार तालियां हमारे गुरुदेव शिव कुमार सर के लिए होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके शानदार तालियां बजाओ मेरे दोस्त। आपकी तालियां उस इंसान के लिए बज रही है जिसने डायमंड बनाने की फैक्ट्री खड़ा कर दिया। आपकी तालियां उस इंसान के लिए हो रही है जिसने एम्बेसडर बनाने की फैक्ट्री खड़ा कर दिया। तो तालियां ऐसे नहीं, हाथ उठा के बजाओ जानदार तालियां। थैंक यू गुरुदेव। आज आप देख रहे थे इतने सारे अचीवर्स आए, इतने सारे लोग आए, और लोगों ने लाने के बाद
कोई लाखों की बात कर रहा है, कोई करोड़ों की बात कर रहा है। आपको विनोद सर बता रहे थे कि 5000 की नौकरी किया करता था, आज 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है, और ये सच्चाई है। विनोद सोनी जी जब हमसे मिले थे तो मुझे याद है वो कहीं गार्ड की नौकरी करते थे किसी हॉस्टल के अंदर। आज आपको यहां पे जितने भी लोग मिले, एक भी सिंगल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बाप दादाओं के पास करोड़ 10 करोड़ की टेस्टिमनी होगी, वहां से निकल के एसलीपीएस वेलनेस में डायमंड बना। यहां वो सारे लोग हैं जो एक गरीब किसान के बेटे थे, जो एक मजदूर के बेटे थे, एक नॉर्मल परिवार के बच्चे थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे, और आज मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाला इंसान अगर करोड़पति बनता है तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये अचीवमेंट क्यों आ रही है। आज मैं बात करता हूं ये अचीवमेंट क्यों आ रही है। मेरे दोस्त, अगर इस अचीवमेंट को लाने में सबसे बड़ा रोल है तो सबसे बड़ा रोल है एसलीपीएस वेलनेस का, प्लेटफॉर्म का। देखो, सफलता मेहनत से नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार एसलीपीएस क्यों करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं बोलता हूं अगर आपको विश्वास है कि कई सारे ऑप्शन में कहीं भी काम करके आप अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो मैं बोलता हूं मत करो डायरेक्ट सेलिंग, मत करो एसलीपीएस वेलनेस, जाओ वही करो जहां पे आप खड़े हो। आपको लगता है कि आप अपने घर से 10-20 करोड़ रुपए लगा के फैक्ट्री खोल सकते हो, तो मेरा आपको एडवाइस है आप सब छोड़ो, जाओ फैक्ट्री खोलो। क्योंकि इंसान को सफल होने के 2 मौके होते हैं। पहली बार जब वो एक स्टूडेंट होता है, अगर एक स्टूडेंट है, उसकी एजुकेशन बड़ी अच्छी हुई, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे कॉलेज से हुई, उसकी डिग्री अगर तगड़ी हुई, तो वो कंपटीशन पास करके अच्छी नौकरी ले सकता है, शानदार जिंदगी बना सकता है। यस या नो? यस या नो? हाँ या ना? और मेरे दोस्त, मैं ये पक्के विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यहां 15,000 लोग बैठे हैं, ये मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूं, यहां बैठे 90% लोग वो हैं जिनकी लाइफ से ये पहला मौका निकल चुका है। चाहे आपकी पढ़ाई आपकी परिस्थितियों की वजह से ना हो पाई हो, चाहे आपकी एजुकेशन माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन सही ना होने की वजह से अच्छी हो ना हो पाई हो, चाहे आपकी पढ़ाई परिवार की जिम्मेदारियां ना होने की वजह से ना हो पाई हो, चाहे आपकी पढ़ाई आपकी खुद की बदमाशी की वजह से ना हो पाई हो, वजह कुछ तो रहा होगा। हाँ या ना? हो सकता है जब पढ़ने का वक्त हो माँ बाप ने सब कुछ दिया, लेकिन जब पढ़ने का वक्त हो तुम बगल वाली को झांक रहे थे, हो सकता है। लेकिन पास्ट को बदला नहीं जा सकता। बदल सकते हैं क्या? बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। और बोलते हैं कि हर इंसान के जीवन में मौके बार बार नहीं आते, जिंदगी हर इंसान को सफल होने का बार बार मौका नहीं देता। एक मौका मिला था हम सबको पढ़ाई करके अपनी लाइफ को बदलने का, वजह चाहे जो भी हो, 80% 90% लोगों की लाइफ से वो मौका जा चुका है। अब दूसरा मौका तब मिलता जब माँ बाप के पास बहुत अच्छे पैसे होते, दूसरा मौका हमारी लाइफ में तब मिलता जब माँ बाप के पास बहुत पैसे होते, उनका कोई बिजनेस होता तो हम टेक ओवर कर सकते थे उस बिजनेस को, लेकिन ये मौका भी हमारे पास मिला नहीं। लोग जब होपलेस हो जाते हैं अपने जीवन में, जो लोग परेशान हो जाते हैं अब क्या होगा, समझौते की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, मेरे दोस्त ऐसे लोगों की लाइफ में एक मौका लेके आता है तुम्हारा अपलाइन, एक मौका लेके आता है एक अनजान इंसान, और उस मौके का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यहां जितने भी लोग सफल हैं इसमें से कोई नहीं बोल सकता उसने खुद मेहनत किया इसलिए सफल हो गई, ना ऐसा नहीं है। मेहनत करने से सफलता नहीं आती है मेरे दोस्त, आपकी मेहनत किस प्लेटफॉर्म पे हो रही है इस बात से सफलता आती है। एक रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम कितना भी अच्छा रिक्शा चलाते हो, क्या रिक्शा से चंद्रमा पे पहुंच सकते हो? क्या पहुंच सकते हैं? क्या हाथ उठा के बोलिए। आप बहुत अच्छा रिक्शा चलाते हैं, लेकिन क्या रिक्शा चला के दिन रात चला के आप चंद्रमा पे पहुंच सकते हैं? क्या नहीं पहुंच सकते? क्यों? क्योंकि रिक्शा वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे चंद्रमा पे जाया जा सके, राइट? अगर चंद्रमा पे पहुंचना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? क्या चाहिए अपने को? रॉकेट चाहिए। क्या चाहिए? रॉकेट चाहिए मेरे दोस्त, रॉकेट चाहिए, संसाधन चाहिए। क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं मिलेगा तब तक लोग फेल हो जाएंगे। आज आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में आप देखते हैं
लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करके बर्बाद हो जाते हैं। लोग बोलते हैं मुझे बेवकूफ बना दिया गया, लोग बोलते हैं मैं फंस गया। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति लोगों की जो ये भावनाएं हैं, ये भावना इसलिए नहीं है कि लोग गलत हैं, लोग कामचोर हैं, लोगों ने मेहनत नहीं किया होगा। आपको ऐसे ऐसे लोग भी मार्केट में मिलते होंगे जो 12-12 साल से झोला उठा के घूम रहे हैं, आज तक कुछ नहीं मिला। मिलते नहीं मिलते हैं? ऐसे ऐसे लोग भी मिलते होंगे जो 7-7 साल से प्रोडक्ट उठा के झोला उठा के मार्केट में भाग रहे हैं, आज भी 2-2, 5-5 रुपए कमाते, जिंदगी नहीं बदली। पता है क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त एसलीपीएस वेलनेस ने वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया, जहां पे मेहनत अगर आप करते हैं तो आपकी मेहनत सक्सेस में कन्वर्ट होती है और आम इंसान भी करोड़पति बन सकता है। ये ताकत एसलीपीएस वेलनेस की है। 2014 से पहले भी डायरेक्ट सेलिंग लोग करते थे, लेकिन जब से एसलीपीएस वेलनेस ने आया, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदल के रख दिया। और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो उस इंसान का है, उस भगवान का है जिसने एसलीपीएस वेलनेस को जन्म दिया। मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार और शानदार तालियां होने चाहिए एसलीपीएस वेलनेस का रचयिता हमारे महागुरु मिस्टर संजीव सर के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनो, वी आर वेरी लकी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। मेहनत आप बाद में करोगे, लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है सक्सेस के लिए? एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना। अरे कोचिंग ही बेकार होगा, तुम कितनी भी मेहनत करो, जब डायरेक्शन ही बेकार होगा, तुम कितनी भी मेहनत करो, सक्सेस नहीं आ सकती। तो हम लोगों के लिए आज सक्सेस का एक इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि हमारे पास हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल कंपनी है। पहला रोल है प्लेटफॉर्म। दूसरा रोल होता है डायरेक्शन का। किसका रोल होता है? डायरेक्शन का। अब आपको रॉकेट भी मिल गया, लेकिन रॉकेट को टेढ़ा करके छोड़ दो, आसमान में जाएगा, किसी दूसरे देश में फटेगा, किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। राइट? हाँ या ना? यस या नो? दूसरा रोल है डायरेक्शन का। और आप देखो कितनी कमाल की बात है, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे टॉप अर्नर, उस इंसान ने जो कोई बोलता नहीं है एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है, वो है हमारे मेंटर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर के लिए। सोचो मेरे दोस्त, जब हिंदुस्तान का सबसे पावरफुल इंजन हमारे साथ लगा हुआ है तो डायरेक्शन तगड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ या ना? तो सबसे पहला रोल प्लेटफॉर्म का, वो हम लोगों को सौभाग्य से अच्छा मिल गया। दूसरा रोल डायरेक्शन का, और वो सौभाग्य से हम लोगों को अच्छा मिल गया हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर महिपाल सर और गुरुदेव संजीव सर का आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिलता है। यह वजह है कि जो काम 30-30 साल से हिंदुस्तान में लोगों ने नहीं किया था, एसलीपीएस वेलनेस ने 7-7 साल के अंदर कर दिया। आया ना? अरे मेरे भाई, 30-30 साल से काम करने वाली कंपनी इस स्टेडियम को भरने के लिए सोचती है और यहाँ पे एक प्रणव पांडे सर की टीम ने पूरा स्टेडियम खचाखच भर दिया, बैठने की जगह नहीं है। यानी जो इकोसिस्टम है सक्सेस का, वो बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। अब जरूरत है काम करने की। अब सक्सेस के लिए तीसरा चीज क्या है? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन ये, काम क्या करना? मेरे दोस्त, यहां पे कोई तीर नहीं मारने, आपको मिट्टी नहीं गाड़ने, आपको फैक्ट्री नहीं लगानी। क्या काम है हमारा? बात और मुलाकात। क्या काम है हमारा? बात और सिर्फ यही काम करना है। आपको लगता है आप में से कोई इंसान ये दो काम करने में माहिर नहीं है? एसलीपीएस में मत करो, लेकिन कहीं तो करते हो, नहीं करते हो? यस या नो? याद रखना, आज तक पैसा उसी ने कमाया जिसने खुद को ब्रांड बनाया और जिसके ब्रांड को लोगों ने इस्तेमाल किया है। हम सब जीने से लेके मरने तक कोई ना कोई आइटम इस्तेमाल करते हैं,
और हमारे उस आइटम के इस्तेमाल करने से इस धरती पे कोई ना कोई करोड़पति अरबपति बन जरूर रहा है। हाँ या ना? अरे सुबह जब उठते हो आप तो सबसे पहले क्या करते हो? वॉशरूम जाते हो, राइट? वॉशरूम जाने के बाद हाथ की सफाई करते हो साबुन से, करते हो नहीं करते हो? किसी ना किसी कंपनी का ही तो साबुन होगा, किसी ना किसी कंपनी का ही तो हैंड वॉश होगा। हाँ या ना? तुम उसका हैंड वॉश इस्तेमाल करते हो, तुम्हें क्या मिलता है? सफाई। लेकिन कंपनी के मालिक को मिलता है कमाई। हाँ या ना? फिर क्या करते? ब्रश करते हैं अपन। जब ब्रश करते हैं किसी ना किसी कंपनी का पेस्ट तो यूज करते होंगे, नहीं करते होंगे? हाँ या ना? और मैं बोलता हूं सारे करते होंगे, कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं भाई साहब हम तो हाथों से ही रगड़ के काम चला लेते हैं। सारे करते होंगे, किसी ना किसी कंपनी का जरूर इस्तेमाल करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको मिलती है दांतों की सफाई और उस कंपनी वालों को मिलती है मोटी कमाई। हाँ या ना? उसके बाद स्नान करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं? किसी ना किसी कंपनी का तो इस्तेमाल करते होंगे, जिसकी जैसी औकात वैसी साबुन इस्तेमाल करते होंगे। यस या नो? आपको क्या मिलता है? सफाई। और कंपनी वालों को क्या मिलता है? मोटी कमाई, राइट? आपके घरों में खाना बनता है, खाना जब आप बनाते हैं तो कोई ना कोई कंपनी का तेल और मसाला तो यूज करते होंगे। यस या नो? किसी ना किसी कंपनी का तेल और मसाला तो यूज करते होंगे। आपको क्या मिलता है? आपको क्या मिलता है? पेट की सफाई या पेट का कचड़ा? और औरों को मिलता है मोटी कमाई, राइट? यस या नो? हाँ या ना? अच्छा, नहाने के बाद कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा साफ करने के बाद किसी ना किसी कंपनी का सर्फ या लिक्विड वॉश तो इस्तेमाल करते होंगे, नहीं करते होंगे? हर इंसान करता है। मैं बात इस हॉल में बैठे 15,000 लोगों से कर रहा हूं, हर इंसान करता है और किसी ना किसी ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करता है। आपको मिलती है सफाई और उस कंपनी वाले को मिलती है कमाई। मेरे दोस्त, अगर तुम हार्पिक से टॉयलेट साफ कर सकते हो, लाइफ बॉय से अब तुम शरीर की सफाई कर सकते हो, कुछ नहीं करना। आज के बाद ब्रांड का सिर्फ नाम बदल देना और हर एक वस्तु जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उस ब्रांड के आगे एसलीपीएस का नाम जोड़ देना। अरे उठो तो पेस्ट करो डेंटोडॉग से, हाथ साफ करो एसलीपीएस के हैंड वॉश से, स्नान करो बाथवेदा से, टॉयलेट साफ करो पावर फ्लश से, तुम अपने बर्तन की सफाई करो एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट से, तुम अपने कपड़ों की सफाई करो एसलीपीएस वेलनेस के सर्फ से। बताओ मुझे, रिजल्ट वही आएगा ना जो अभी आता था? हाँ, वही आएगा ना? बल्कि इतना अच्छा है कि एक बार अपने बाथवेदा से नहा लो, स्प्रे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सच बोल रहा हूं? हाँ या ना? मेरे दोस्त, रिजल्ट वही आएगा, आपको मिलेगा सफाई। लेकिन जहां दूसरे कमाते थे कमाई, अब आप सबके घरों में आने लगेगी कमाई। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है बताओ मुझे? आसान है मुश्किल है बताओ मुझे? आसान है मुश्किल है? ये काम हो गया। अब दूसरा काम, तुम्हारे जानने पहचानने वाले में जिस जिस की तबीयत खराब होती है, आज तक तुम पड़ोसी डॉक्टर को रिकमेंड करते थे, आज तक तुम किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को रिकमेंड करते थे, आज के बाद इम्यूनोडॉक थंडर ब्लास्ट बोलना शुरू कर दो। हमारे प्रोडक्ट खुद इतने पावरफुल हैं, रिजल्ट देंगे, पब्लिक खींचे चली आ जाती है। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? इसके लिए किसी टैलेंट की जरूरत है क्या? कोई टैलेंट नहीं चाहिए। अभी जिस टैलेंट से सुबह से शाम तक आप चलते आ रहे हैं, वही टैलेंट इस्तेमाल करना। बस एक काम करना है, ब्रांड का नाम बदल देना है। क्या करना है? ब्रांड का नाम बदल देना है। जितने अलग अलग ब्रांड अभी तक आप इस्तेमाल करते थे, आज के बाद गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सिर्फ एक ब्रांड घरों में दिखना चाहिए। क्या बोलो? एक ही ब्रांड दिखना चाहिए। क्या आपके परिवार वालों के घरों में सिर्फ एक ही ब्रांड दिखना चाहिए? कौन सा? कौन सा? यही काम आपको करना है। अगर कर दिया
तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है। देखो ऐसे समझ में नहीं आता, हमें लगता है सर एक साबुन से 50 रुपए कमाते हैं क्या मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है, एक साबुन बेचने से 50 रुपए आते हैं, 50 रुपए छोटी बात है, लेकिन वही 50 रुपए का साबुन 1 करोड़ लोगों के अंदर बेच दिया जाए तो कमाई कितनी होगी एक महीना की, बताओ बताओ। क्या हिंदुस्तान के सारे लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते हैं, और किसी ना किसी ब्रांड का ही तो इस्तेमाल करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, यस या नो। लोग ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी, अजय देवगन को देख के आज तक इस्तेमाल करते थे मेरे दोस्त। बस तुम्हें अपने आप को हीरो बना देना है, कोट पैंट पहनो, स्प्रे मारो, लोगों के साथ मिलो, अपने आप को हीरो बनाओ और अपने आप को करोड़पति बना सकते हो आप। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? आसान है? क्या कर सकते हो? कर सकते हो, बस विश्वास मत खत्म करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, बिलीव रखना कि हाँ, क्योंकि रातों रात ये ऐसा नहीं होता, रातों रात नहीं होता मेरे दोस्त, एक रात में बच्चा पैदा नहीं लेता, रातों रात एक लगाया हुआ पेड़ बड़ा वृक्ष बन के फल नहीं देता, समय लगता है। आपको भी समय लग सकता है, आपको भी समय लग सकता है। मैं बोलता हूं रातों रात करोड़पति बनना है तो डाके डाल लो, अगर रातों रात करोड़पति बनना है लॉटरी खेल लो, लेकिन क्या ये सबके बस की बात है? लेकिन 3 से 4 साल टिक के स्लीपियस वेलनेस में यही काम जो मैंने बताया अगर कर जाते हो तो आप करोड़पति बनोगे, इसकी गारंटी हमारा सिस्टम लेता है। आपको टिकना पड़ेगा, टिक सकते हो, ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलिए, टिक सकते हो, टिक सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं सर अगर हमारा कुछ नहीं हुआ तो, अरे 30 साल से तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो किसी ना किसी कंपनी का, तुम्हारा कौन सा बहुत कुछ हो गया बताओ मुझे? अरे 30 साल में भी कुछ नहीं हुआ, अगर 4 साल में भी कुछ नहीं होगा तो गया क्या? कुछ जाने वाला है क्या? कुछ जाने वाला है क्या? कुछ जाने वाला है क्या? लेकिन मेरे दोस्त हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी पावरफुल है, हमारा मेंटरशिप इतना पावरफुल है और हमारा एसलीपीएस प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि अगर 3 साल एसलीपीएस वेलनेस में गधा भी टिका रहा तो वो भी डायमंड बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्या टिकने के लिए तैयार हो? टिकने के लिए तैयार हो? मार्केट में जब जाओगे लोग तुम्हें ताने मारेंगे, लोग तुम्हें ताने मारेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, सबका उड़ाते हैं, लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? ये मजाक उड़ाने वाले लोग, एडवाइस देने वाले लोग किसी को नहीं छोड़ते मेरे दोस्त, तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन याद रखना जिसके बारे में चर्चा दुनिया करती है समझ लो वो कुछ तो है, अच्छा या बुरा, हाँ या ना, यस या नो। तुम अच्छा करोगे तब भी लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। एक बार मैं गुरुजी के साथ बैठा था, मैंने बोला गुरुजी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं एमएलएम के बारे में। बोला यार लोग हर चीज के बारे में बात करते हैं, तू ऐसा कर कल रात को एक पोस्ट डाल कि आज के बाद मैं दारू खूब पीना शुरू करूंगा, तो तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गालियां देंगे, नालायक निकम्मा, लोगों को आयुर्वेद चिपकाता है, खुद दारू पीने की बात करता है, बेकार है, घटिया है। और कुछ लोग बोलेंगे अब रियल मर्द बन गया तू, हाँ या ना। और फिर कुछ दिन के बाद तू, अच्छा ये पोस्ट अगर तुझे गलत लगता है तो दूसरा पोस्ट डाल देना कि आज के बाद ना मैं मीट खाऊंगा, ना दारू पीऊंगा, ना यासी करूंगा, बस राम राम करूंगा। तो कुछ लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया, तेरी जिंदगी हसीन होगी, लेकिन पक्का 60-70% कमेंट उसमें भी आ जाएंगे, जब कुछ करेगा नहीं तो जिंदा किस लिए, फांसी लगा ले, समझ में आ रहा है बात मेरे दोस्त? बोलने वाले लोग तुम घर में बैठे रहोगे तो बोलेंगे निकम्मा नालायक घर में बैठा है, और बोलने वाले लोग ग्राउंड में निकलोगे तो लोग बोलेंगे बेकार लोगों को फंसा रहा है, उल्टा सीधा बना रहा है, ग्राउंड में भागता है। तुम टाई पहनोगे तब भी लोग बोलेंगे टाई पहनते हैं मेले वाले, तुम लोगों से बात करोगे लोग बोलेंगे टाई पहनते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं मेले वाले, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो सारे पड़ोसी बोलेंगे नालायक हमारे घर में, तुम्हारा बाप बोलेगा नालायक मेरे घर में पैदा लिया था, पैदा लिया कुछ नहीं किया, उससे बढ़िया पहले ही निकल जाता।
तुम भाई बोलने वाले लोग तो तुम कुछ ना करो तब भी बोलेंगे और कुछ करो तो भी बोलेंगे, तो अच्छा क्या है कुछ करके सुनना? सुनना तो अपने को दोनों में है, कुछ करके सुनना और कुछ ना करके सुनना। अगर कुछ ना करके सुनोगे तो कम से कम खुद को दोष देते रहोगे शायद कुछ कर लिया होता, लेकिन कुछ करते हुए अगर सुन रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप में से कोई इंसान विनोद सोनी जैसा 5 करोड़ की इनकम ले ले, फिर वही दुनिया बोलेगी मजेदार इंसान था, मेहनती था इसलिए सफल हो गया। याद रखना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस दिन तुम अचीवर बन जाओगे, जिस दिन तुम्हारे हाथ में सफलता आ जाएगी, जिस दिन तुम्हारे हाथ में पैसा आ जाएगा, लोगों की भावना बदल जाती है मेरे दोस्त, लोगों की भाषा बदल जाती है। जो रिश्तेदार तुम्हें अपनी शादियों में बुलाना नहीं चाहते थे, जब मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खरीद लोगे ना, वही रिश्तेदार सबसे पहले न्योता तुम्हारे यहाँ भेजेंगे, बोला आना और बीएमडब्ल्यू जरूर लेके आना। होता है नहीं होता है? इसलिए बोलता हूं सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे तो लोगों का सुनोगे, लोगों का सुनोगे। मेरे दोस्त न मेरा सुनना न लोगों का सुनना, खुद का सुनना। अगर तुम्हें लगता है कि करोड़पति बनने का रास्ता कहीं और है तो मैं बोलता हूं वहां ध्यान दो, और लगता नहीं है कोई और ऑप्शन है तो आंख बंद के भरोसा करो, विश्वास करो, अपलाइन का हाथ थामो और 3 से 4 साल लगातार मेहनत करो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं इस हॉल में बैठा हर एक शख्स डायमंड बन सकता है। आर यू रेडी? ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो, आर यू रेडी? क्या सारे लोग तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? अरे डायमंड बने ना बने, मरने से पहले ये अफसोस ना रहे हमने प्रयास नहीं किया था, राइट? तो क्या प्रयास करेंगे? क्या प्रयास करेंगे? तो कर दिया, बहुत बहुत बधाई, एक जोरदार ताली, आप डायमंड जरूर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ बात करके। और अभी तो हमने इस साल 2 IG स्टेडियम भरा है, इस बार वादा कर दे गुरुदेव से अगले साल 4 IG स्टेडियम पार कर दे। क्या कर दे? क्या साथ दोगे? साथ दोगे? अभी तक तो इस टीम से 50 डायमंड निकल के आए हैं, तो क्या वादा कर दे अगले साल 100 पार डायमंड कर दे? मुझे भी नहीं पता कैसे होगा, गुरुजी लोग है ना, बोला जाता है जब अपलाइन हो तो अपना पूछ नहीं हिलाना चाहिए, बस बोल देना चाहिए। तो आज वादा करते हैं मेरे दोस्त, अगले साल अपन 100 डायमंड इस टीम से लॉन्च करेंगे, पूरी टीम से 300 से ज्यादा डायमंड लॉन्च करेंगे। तैयार हो? तो दोस्तों ऐसी आप लोग तरक्की कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।